student. Now in the last period we have been studying about again the numerical based on activation energy. Some numericals that are given in a textbook on the page number 137, here 19 number ka aur 20 number ka numerical hum solve karenge. To aapko pata hai मैं निकिता पब्लिकेशन लातूर में लिखता हूँ, उनका मैं ऑथराइज ऑथर हूँ, केमिस्ट्री वन की किताब है मेरी, उसमें ये सब न्यूमेरिकल्स अपन ने सॉल्व किए हुए हैं। तो लॉकडाउन के बाद में आप खरीद सकते हैं, वो पब्लिश हो गई है। तो उसमें पहले कुछ समरी दिया है चैप्टर वाइज, उसके बाद में इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं। जैसा आपने बोर्ड का बुक देखा होगा उसमें लिखा है यूज योर ब्रेन पावर, रिकॉल हीट, या फिर द ट्राई दिस, ऐसे बहुत सारे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी दिए, उसके सॉल्यूशन दिए, उसके बाद में एमसीक्यूज भी दिए, 50 एमसीक्यूज दिए हर एक चैप्टर पर, और उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व किए, सम अदर क्वेश्चन कैन आल्सो भी सॉल्व अदर देन दिस द एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी के भी उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। तो आप वो देख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क सिक्योर कर सकते हैं। तो उसी में ये प्रॉब्लम सब सॉल्व करके दिए हुए है। देखो प्रॉब्लम नंबर 19, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन और कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसा बोला है। तो क्या दिया है डाटा, डाटा लॉग टू द बेस 10 के इक्वल टू 14.34 माइनस 1.24 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टी, ए इक्वेशन दिया है। अब कैलकुलेशन अपने को पता है, अपने को पता है कि अरेनियस इक्वेशन क्या है टू कैलकुलेट द ए। अब अरेनियस इक्वेशन लिखेंगे लॉग टू द बेस 10 के इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी। अब ये सब दिया है अपने को, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2, समझो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। कंपेयर करो, अगर इसमें आपको बोलते थे कैलकुलेट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो ये कंपेयर करके ए भी सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बोला है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करने का, ये दो इक्वेशन कंपेयर करने का, तो क्या मिला अपने को, ये अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टी। टी टी कैंसल हो गया, पुटिंग द वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या मिलेगा फिर 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, और आर की वैल्यू पता है अपने को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पर टेम्परेचर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा जूल पर मोल, क्योंकि टी अपने कैंसिल कर दिया। तो क्या मिलेगा फिर सॉल्विंग दिस, इट इज इन टर्म्स ऑफ ए जूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3, इट इज इन टर्म्स ऑफ ए किलो जूल पर मोल। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर अपने एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व किए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, समझ में आ गया। तो ये दो इक्वेशन हम